कि मैं लद्दाख घुसते घुसते ना व्यू वगैरह ऐसा जन्नत देखते देखते ना मैं सठिया ना जाऊंगा। जन्नत यहाँ क्या है देखो तो पहाड़ है टूटेगा। ओ भाई साहब देख रहे हो टायर वायर कुछ नहीं है। उतरिएगा ना स्विट्जरलैंड हार मान जाएगा। क्या स्विट्जरलैंड। सो गाइस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। अभी टाइम 9:13 हो रहा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं दारचा, दारचा से दीपक ताल लेक, दीपक ताल लेक से जिंगजिंगबार, जिंगजिंगबार से बारालाचा, बारालाचा जाएंगे और एक पास पड़ेगा, बारालाचा पास जाएंगे। बारालाचा पास करते हुए सरचू में स्टे करने वाला, देखते हैं कितना समय लगता है। अभी टाइम हो रहा है 9:14। मैं 9 करीब में उठा, चाय पी रहा हूँ ऐसे मस्त लोकेशन में। आप लोकेशन देखोगे तो पागल हो जाओगे। ये देख लो लोकेशन, पहाड़ जो है वो पूरा पूरा बर्फ से कवर हो चुका है और उसी का ऊपर बादल है। बहुत जबरदस्त लग रहा है। इंस्टाग्राम में फॉलो किए होगे तो रात में देख लिए होगे ये सब चीज। अभी फिलहाल निकलते हैं, 10 तक निकलने का प्लान है। यहाँ से फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ। ठंड बहुत है, अभी धूप दिख रहा है लेकिन 8 है भाई साहब, ऐसा ठंड है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो नमस्ते, राम राम, कैसे हो? करता हूं कि आप सब मेरे बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। फिलहाल आज का दिन का शुरुआत करते हैं, आज का नया एपिसोड का स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। चलिए निकलते हैं, चाय में पीते हैं। सॉन्ग सुनाई दे रहा है भोलेनाथ का। रात में गाइस इतना ठंड था कि 2 ब्लैंकेट ओढ़ के मेरे को सोना पड़ गया। ठीक है, ये 2 ब्लैंकेट मैं ओढ़ के सोया हूँ। रात में 7 तक आ गया था भाई साहब, और पूरा मैश होके रखा है। ये सब को मिलाने में तो सबसे ज्यादा समय जाने वाला है। और मेरा विंडो से कुछ खास व्यू तो आता नहीं है, ये देख लो ऐसा कुछ दिख रहा है, माउंटेन दिख रहा है बस। तो काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने सामान लगेज सब बाइक पे शिफ्ट करता हूँ, निकलने की तैयारी करता हूँ। पूरा नॉर्थ ईस्ट से मैं पहला बंदा हूँ जो सोलो कर रहा हूँ, तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू। चलो निकलते। सो गाइस निकलते निकलते 10:12 हो गया। सबसे ज्यादा समय तो लगा पैकिंग करके और बाइक में माउंटिंग करने में। और ये देख लो अपना लुक, ये भी डबल है, अंदर में एक विंटर लाइनर पहना हूँ, पैंट भी अंदर में विंटर नाइलर है, और ये मास्क भी मतलब मोटे वाला पहना हूँ ठंडे में जो मैं पहनता हूँ। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे कम है। ये मेरा रूम खाली हो चुका है, पूरा रूम खाली। ये रूम था मेरे को 800 पड़ा था, लेकिन लोकेशन मतलब तो बहुत अच्छा जगह पे है, खाना वाना सब कुछ मिलता है। और ये अपना बाइक का लुक ऐसा कुछ दिख रहा है। पेट्रोल में अभी पीछे बांध दिया हूँ, इसको बांधने में तो 1/2 लग गया। चेन में ल्यूब वगैरह सब कुछ हो गया है, बस अब निकलने का देरी है। चलो भाई जय श्री राम, आज से अपना एडवेंचर चालू। हर हर महादेव। भाई जी थोड़ी सी चेयर हटा दोगे? हर हर महादेव। चलो भैया चलो, बस फाइनली निकल चुके हैं। ये सस्ते में था होटल दूसरे जगह, यहाँ पे मैं पूछा था 2000-2500 ऐसा कुछ था। टेंट तो खाली ही नहीं था, तो छोड़ ही दो। टॉयलेट जो है वो अटैच नहीं था, टॉयलेट बाहर थी, तो उसके वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया। ओ भैंस की आँख, और कल मैं ये नदी में भी गया था मैं अच्छे से। रात में 10:30 तक यहाँ पे पंजाब से राइडर आए थे, उनसे बात बात करते करते मतलब 10-11-12 बज चुके थे। अभी अपने को जाना है दारचा, दारचा यहाँ से है 9 किलोमीटर। चलो, जो माउंटेन पे जो स्नो लगा ना वो, और रात में भाई साहब 7-6 तक चला गया था, और वहीं सरचू में 3 था, -3 पे। आज देखते हैं कहाँ रुकते हैं, मज़ा आएगा। जो भी होगा आप लोगों को तो मालूम चल ही जाएगा। ओ हो, ये सारे टेंट बुक थे रात में यहाँ पे। रात में कल में तो कोई शूटिंग वगैरह चल रही थी, अब पता नहीं किस चीज़ की शूटिंग थी। पेट्रोल का जार जो मैं पीछे बांधा उसको थोड़ा डाउट है, कहीं वो गिर ना जाए, गिरेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन गिरना तो नहीं चाहिए, मैं बहुत अच्छे से बांधा हूँ। ये ट्रिप में मेरे को मतलब लगेज बांधना बहुत अच्छे से आ गया है, और लगेज को मेंटेन करना है कि कौन सा अभी बाहर चाहिए कौन सा अंदर चाहिए। तो जो मेरे बैग में नीचे में था जैकेट वगैरह वो सब मैं दूसरे बैग में डाल दिया हूँ। अपने का आज जाना है हाईएस्ट पॉइंट बारालाचा। बारालाचा है 16,000 पे, तो वो 16,000 पे आज का ये वीडियो, 16,000 पे अपनों का मजा आएगा। चलो, ओ भाई गजब का लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। और रात में तो शाम के टाइम में देखने में और भी जबरदस्त लगा था। इंस्टाग्राम में उसलिए मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर अपडेट रहता है, और कुछ कुछ समय जो ऐसा होता है कि वीडियो कैप्चर नहीं कर पाते हम लोग, तो वो इंस्टाग्राम पे आ जाती है। तो इंस्टाग्राम में कृपया करके इंस्टाग्राम में आ जाए हमारे। यहाँ से सरचू है 82 किलोमीटर,
देखते हैं सरचू में रुकेंगे या फिर ले पहुंचेंगे, कुछ आइडिया नहीं है। पहले के समय में मतलब कुछ साल पहले अगर दारचा जाना हो तो ये रिवर क्रॉस करके जाना होता था, लेकिन अभी देखो पूरा ब्रिज बन चुका है, काफी सही है। लेकिन बाइकर लोग के लिए एक नुकसान है कि वो थोड़ा सा एडवेंचर कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, लेकिन रिवर बहुत बड़ा है, वैसे भी कमी नहीं है एडवेंचर की, अभी बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग आने वाले हैं। थैंक यू सर जी। तो यहाँ पे दारचा का ब्रिज जैसे आप क्रॉस करोगे, यहाँ पे आपका फोन नंबर, बाइक नंबर, नाम वगैरह सब कुछ नोट करवाना पड़ेगा। सिनखुनाला जाना है तो सीधा, ले जाना है तो ऊपर, अपने को तो ले जाने का है सिनखुला। ओके चिक्का जानवर, ओके अपने को ऊपर जाने का है। पहाड़ देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है, देखने में बहुत जबरदस्त लग रहा है। और जो हवा चल रही है भाई साहब एकदम जबरदस्त, बोले तो लाजवाब, बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रही है। अभी भी 8 डिग्री है यहाँ, 8 डिग्री में मैं बाइक चला रहा हूँ। अब देखो जाते जाते तो ये हो जाएगा, माइनस पे चला जाऊंगा मैं। जबरदस्त बवाल, मजा आ गया, सुपर माइंड ब्लोइंग। अभी जो हम लोग ऊपर से माउंटेन देख रहे थे नीचे से, अभी उस माउंटेन के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं। ओ भाई यहाँ पे ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, समझ लो, समझ रहे हो ना। तो वीडियो को प्लीज लाइक करना प्लीज, और सब्सक्राइब करके शेयर कर देना प्लीज, थैंक यू। इधर बाइक चलाने के बाद ये थोड़ा सा ऑफ रोड पैच भी आ गया, मजा है, अच्छा है, गुड। अच्छा लग रहा है, और नीचे देखो क्या सुंदर लग रहा है जाने में। ओहो हो हो, सुंदर सा एकदम प्योर डायमंड व्हाइट दिख रहा है। ओहो हो हो, इन लोग भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि हम लोग आएंगे तो हमें रोड अच्छा मिलेगा, तो सैल्यूट तो बनता है बॉस। और व्यू के बारे में मैं क्या बात करूं, आप लोग तो देख ही रहे हो कितना जबरदस्त लग रहा है। ओहो चुम्मेश्वरी व्यू। सो अपना पहला वाटर क्रॉसिंग आया, छोटा सा है वाटर क्रॉसिंग, आराम से इजिली हो जाना चाहिए मेरे से। चलो ओहो, शूज नहीं भिजना है, शूज को बचाओ, जूता भिज जाएगा तो फिर ठंडा लगने लगेगा। अब मेरे से जितना बच सकता है मैं बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मालूम है बड़ा सा अगर वाटर क्रॉसिंग आ जाएगा तो मेरा शूज गया, पीला तो होना ही है। ये दीपक ताल लेक है ना। सो गाइस ये है दीपक ताल लेक, देख लो काफी सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर व्यू है, पूरा ग्रीन एंड ब्लू में पानी है, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, बवाल ब्यूटीफुल। और वो जो माउंटेन है वो भी काफी सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। ओहो हो 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 हो, चलो निकलता हूँ यहाँ से, काफी सुंदर, काफी गजब का। और यहाँ से व्यू देख लो आप लोग, ओहो हो भाई साहब जबरदस्त। सो मैं निकल रहा हूँ अभी दीपक ताल से, अभी जाना है जिंगजिंगबार, यहाँ से है 10 किलोमीटर। और वो अंकल हो रहा साइकिल से जो आए हैं वो जा रहे हैं, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, आपने नहीं देखा है तो जाओ देखो, वीडियो में मिल जाएगा आपको स्टोरी। साइकिल से कोलकाता से पूरा ऑल इंडिया ट्रिप कर रहे हैं भाई साहब जबरदस्त, तो आप वो स्टोरी जाके जरूर देखना। मैं निकलता हूँ अभी यहाँ से जिंगजिंगबार। ओ भाई डर भी लग रहा है, पूरा ब्रिज हिल रहा है और पूरा डायमंड व्हाइट कलर का पानी बह रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। चलो भाई चलो 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 चलो, बस 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 यही रुकना है, अभी आगे जाना ठीक नहीं है, बाय चांस गाड़ी पीछे स्लिप होके आती है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। निकलते हैं यहाँ से, बहुत भयंकर ऑफ रोड है, अच्छा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, चला जा चला जा चला जा, ये बहुत ज्यादा स्लिपरी है, बहुत ज्यादा स्लिप हो रहा है, टायर बहुत ज्यादा स्लिप हुआ पीछे का, अभी संभाल के ही चलाना है, आराम से धीरे धीरे प्यार से लवे लवे। ये है असली एडवेंचर, अभी एडवेंचर असली स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मतलब ये भी एडवेंचर ही है। चलो भाई पानी से चलो, ये सब जगह मैंने टायर पंचर होने का ज्यादा खतरा होता है, तो मुझे भी वही खतरा है और कोई खतरा नहीं है। जय माता दी। चलो फाइनली निकल गया प्लेन रोड पे। मतलब बहुत भयानक ऑफ रोड मिला है, और यहाँ पे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है मेरा। ओ भाई साहब जबरदस्त, ओ हो व्यू तो कातिल है, ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, गोरे गोरे गाल, नहीं 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 नहीं, ओ भैंस की आंख। अभी तक जूता गीला नहीं है, ओ भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी लग गया।
फाइनली हो गया। अभी तक शूज उतना अच्छे से अंदर पानी नहीं गया अभी तक। ओ भाई साहब जबरदस्त ऑफ रोड है, बहुत जबरदस्त। बस मेरा पेट्रोल का कैन हिल उल के गिर ना जाए। सांस फूल गया यार, सांस चढ़ गई, नशे से चढ़ गई, कुड़ी नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई, आई सांस फूल गई है, फिर भी गाना गा रहा हूँ। चलो यहाँ से बारालचा है 21, सरचू 53, पांग 129, तांगलांगला 196, उपसी 255 और ले 302। ओ हो गजब गजब, बोले तो हेवेंस मैन हेवेंस। जिंग जिंग बार से बारालचा है 22 किलोमीटर। ओके फोटोज तो क्लिक करना बनता है। ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को मालूम नहीं चल रहा होगा, धूप है, उजाला है, लेकिन भाई साहब ठंड हालत ख़राब हो रही है। इसका अंदर में एक और ग्लव्स है ठंडे वाली, तब मैं जो ब्लैक वाली पहनता हूँ वो है, दो दो ग्लव्स लगा के रखा हूँ। सॉक्स भी एकदम आर्मी वाले पहन के रखा हूँ, जो आर्मी लोग पहनते हैं, आर्मी के शॉप से मैं खरीदा था, और आर्मी वाले शूज़ भी हैं। यहाँ पे रुको और फोटो क्लिक करो। ओके यहाँ से बारालचा टॉप 19 किलोमीटर, अपना आज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट 16,000 फीट पे। चलो उसे ले, देखो जिंग जिंग बार ऊपर से दिखाता हूँ कैसा दिखता है। वो नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा ना, सारा सर्किट एक बार में कवर हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। कब से कर रहे हो आप ऐसे? मेरा 2 साल से ज़्यादा हो गया। कौन कौन से प्लेस पे? मैं अपने वहाँ पे घुमाऊँ, ये लॉन्ग में ये पहला है। एक में यूपी गया था। हाँ अकेले सोलो। यूट्यूब पेज BV Vlogs सब्सक्राइब कर लो। अभी आप चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप हेलो कर सकते हो। आपका नाम क्या है? मेरा रजिंदर अग्रवाल। रजिंदर अग्रवाल। और आपका? सरबजोत। तो यहाँ इनसे मिला हूँ, और ये जिंग जिंग बार से थोड़ा ऊपर आने के बाद में यहाँ पे कैफ़े है, बारालचा कैफ़े देख लो, इसी में हम लोग मैगी खाएं। हिमाचल का जिला है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, इनके पास आ जाना मैगी खाने, मैगी वगैरह खाना हो तो सही है, 50 रुपीज़ में बहुत ज़बरदस्त मैगी बनाए। और अगर आपको जिसपा ये सब जल्दी क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पे बेड भी है 200 रुपये एक पर्सन के लिए, तो काफ़ी सस्ते में है, आप यहाँ पे आकर रुक सकते हो। फिलहाल मैं निकलता हूँ, मैगी खाया, मैगी बहुत ज़बरदस्त बना। और ये देख लो ये लोकेशन यहाँ का, बस अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से। वी फॉर विक्ट्री यहाँ देख लो, अभी भी रॉन्ग है। ओके थैंक यू, चलो निकलता हूँ। चलो पाजी मिलते हैं। जितना मैं हाइट पे जा रहा हूँ सांस लेने में उतना ही प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हेडेक वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा है मुझे। हाँ लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि सांस फूल रहा है भाई, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। टेंशन वाला तो कोई अभी बात दिखा नहीं है, देखते हैं क्या हो। मैगी से तो पेट ही भर गया यार, 50 रुपये लिए लेकिन मैगी सही था, पेट भी भर गया अपना। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे माना, भूल जाऊं कैसे तू बता, रुक ना रुके नैना। पता नहीं लिरिक्स को गलत गा दिया हूँ। भाई साहब पहली बार चला रहा हूँ भाई ऐसे, मतलब इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे और प्लस बर्फ वाले पहाड़ पे। काम लोगों अभी कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, बहुत ऊंचाई पे जाना है। अभी मन ही नहीं कर रहा है कैमरा बंद करूँ, लेकिन चार्ज प्रॉब्लम है, वीडियोस ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो देख लेना, और क्या कर सकता हूँ। ओह ये मैं दूर से देख रहा था, ये हमने को पहाड़ दिख रहा था इधर से, जिस पास ये पहाड़ दिख रहा था, अभी देखो एकदम पहाड़ के साथ ही साथ चल रहा हूँ मैं। मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं लद्दाख घुसते घुसते ना व्यू वगैरह ऐसा जन्नत देखते देखते ना मैं सठिया ना जाऊँ कहीं, पगला ना हो जाऊँ। हे भाई बिस्मिल्लाह गाइस, मैं पागल ना हो जाऊँ कहीं। बहुत मज़ा आ रहा है। देख रहे बर्फ का ग्लेशियर है ये। ओ भाई जी क्या है ये, गजब का है जो भी है, जन्नत यहाँ क्या है। देखो तो पहाड़ है, टूटेगा। ओ भाई साहब बर्फ। हाँ।
ये ओ भाई हाथ फ्रीज हो गया मेरा। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है, सच बोल रहा हूँ, खुशी का ठिकाना नहीं है। तो थोड़ा बहुत क्रिंज लग रहा होगा, तो आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि ये खुशी है गाइस, ये मेरा अंदर का बात है, मेरा अंदर का फीलिंग है। ये सारे ऐसे अच्छा लगता है, सारे बाइकर लोग, ओहो बाइकर्स की तो कमी ही नहीं है यहाँ पे, स्वर्ग। मेरा एक सपना था, मैंने देखा उसे सपनों में, तो जाने ना जानी तो ये मेरे अपनों में। ऐसी जगहों को देख के आपको मन में क्या आता है कमेंट करके बताना, मेरा माइंड में अभी कुछ नहीं आया, आई एम स्पीचलेस। देख रहे हम लोग किधर से होते हुए आए हैं, वो सारे जगह से हम लोग घूमते घूमते उधर से आए हैं। मजा आ, बहुत अच्छा रोड है ये, तो हमारे वहाँ पे शहर में नहीं होते हैं इतने अच्छे अच्छे रोड, मतलब बनते हैं तो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। आपके भी शहर में होगा ही ऐसा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं पे तो आपका शहर में भी ऐसा रोड होगा ही, बनते हैं टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ के रोड देखो कितने पक्के हैं, अभी ये भी बनेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। जहाँ जहाँ रोड चल चुका है वहाँ पे तो A1 रोड है, A1। भगाने में जो मजा आ रहा है बाइक को, देखते हैं क्या चीज। ओ भाई साहब सब स्लाइडिंग कर रहे हैं, करूं क्या, पहले इधर से निकलूं, पूरा बर्फ का ग्लेशियर है। चलो यहाँ पे ब्लॉक है, देखते हैं कितने देर तक ब्लॉकिंग रहता है, तब तक ले यहीं पे बैठते हैं, थोड़ा चिल पिल करते हैं। चलो भाई 15-20 मिनट लगे यहाँ पे, आधे घंटे बाद जाम फ्री हुआ है। चलो तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था और ये लैंडस्लाइड के पत्थरों को सब साइड किया जा रहा था, उसके वजह से आधे घंटे तो छोटी सी लेक है वहाँ पे, पूरा स्नो का ग्लेशियर बना है, दिखाऊं वो देखो, ओ भाई पूरा ही ग्लेशियर है वहाँ पे, क्या सब जगह ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। जितने हम लोग ऊंचाई पे जा रहे हैं ना उतने ही अच्छे अच्छे व्यू आ रहे हैं, जैसे एक टर्न ले रहा हूँ अलग ही नज़ारे हैं, फिर टर्न ले रहा हूँ फिर अलग ही नज़ारे हैं, मतलब जबरदस्त बोले तो एक नंबर। छोटा सा एक वाटर क्रॉसिंग, ओके, इतना गजब लग रहा है ना मेरे को देखने में, सची में मेरे पास ना लफ्ज़ नहीं है, अल्फाज नहीं है, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, बस आप लोग इंजॉय करो यार। अगर इंजॉय कर रहे हो ये सब शॉट्स तो कृपया करके लाइक जरूर करें। ओ भाई पूरा बर्फ है, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग है, ये एक्चुअली बर्फ है ना, स्नो जो जमा पड़ा है वो उसका पानी पिघल के आ रहा है, ये तो बड़ा है। चलो ओहो भाई साहब अभी लगती, चलो खो गया। ओ भाई अरे 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 जगह ही नहीं था, सूस बस जूता बचाना है, बस जूता जितना ज़्यादा बचा सकते हो उतना ज़्यादा मैं बचाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर तो गीला हो गया है, अभी अंदर नहीं गया है पानी, सॉक्स के ऊपर मैं प्लास्टिक लगा लिया, उसका ऊपर सूस लगाया हूँ, गिरना मत मुन्ना। ओके ये देखो ट्रक में कुछ भी नहीं है, देख रहे हो टायर वायर कुछ नहीं है इस ट्रक में, क्या हो गया। बहुत ऊपर से मैं ऑफ रोड ही चलाते हुए ही आ रहा हूँ, बहुत भयानक ऑफ रोड है, अंदर का पूरा सिस्टम हिल चुका है, इतना ज्यादा ऑफ रोड है। तो ये देख रहे हो ऐसे ही रोड ऊपर से आ रहा हूँ, ऐसे रोड में चलाने से ना ये डर लगता है टायर पंचर ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पंचर हो जाए तो फिर लोचा ही हो जाएगा मेरा। बस प्यार से धीरे धीरे ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऑफ रोडिंग करते करते तो हालत खराब, चलो निकलता हूँ तो मिलता हूँ। नदी है, ओ अपन इधर से जाएंगे, कितना डीप है ये तो नहीं मालूम, गिरा तो गया मैं। चल चलो भाई, अरे भाई अभी गिरता। चलो भाई चलो, फिर हालत खराब, हालत बिगड़ गया, एनर्जी कम हो गया यार, सांस फूल रहा है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है मेरे भाई। सो गाइस यहाँ से सरचू 18 किलोमीटर और रोड देख लो काफ़ी सही रोड है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड मिला मेरा, पूरा अंदर का सिस्टम हिल चुका है, ऐसा ऑफ रोड मिला, लेकिन अभी हम लोग सही है।
बारालाचा पास हम लोग क्रॉस कर दिए, मेरे को मालूम भी नहीं चला और मैं दिमाग में नहीं था, कहीं पे दिखाई नहीं बारालाचा का, एक ही बोर्ड दिखा वहाँ पे और वहाँ पे फीट वगैरह कुछ नहीं लिखा था, तो मैं सोचा आगे में होगा बोर्ड वगैरह। ये अभी हम लोग जा रहे हैं सरचू की ओर, सरचू से ले यहाँ पे गाइस ऑक्सीजन का कमी है मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है अभी। माउंटेन जो है भाई अलग ही दिख रहे हैं भाई, सब मजा आ रहा है देखने में, देख के ही मजा आ जा रहा है, बोले तो ब्यूटी ओ हो गजब का लग रहा है, जो भी बोलो गजब का है गजब बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत जबरदस्त है। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसा लगा नजारा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ और वीडियो जितनी ज्यादा हो सके शेयर करो गाइस। गजब का रोड है भाई साहब, चलाने में जो मजा आ रहा है ना पूछो मत, गजब का है, बहुत मजा आ रहा है चलाने में। यहाँ पे सरचू में आप घुसते समय यहाँ पे आपको रोका जाएगा, मतलब पुलिस चेक पोस्ट है। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपना गाड़ी का नंबर, नाम और फ़ोन नंबर, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब लिखवाना होगा, उसके बाद आपको छुट्टी मिल जाएगा यहाँ से। तो अपना छुट्टी हो गया, सब कुछ लिखवा दिया, अब जा रहे हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये अपना एक और वाटर क्रॉसिंग, हो भारी है भारी, कितना है रे, हे हे लड़का, हे नहीं नहीं चल 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 चल, ओके सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है, रुकना मत रुकना मत रुकना मत भाई भाई तू रुकना मत भाई 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 साहब, पीछे रहते हैं उनका हॉर्न की वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया। चलो चलो चलो, ओ भाई साहब बहुत बड़े बड़े पत्थर है, टायर एकदम से लिटरली स्लिप कर रहे हैं पीछे से। हाँ चलो 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 चलो, क्रॉस हो गया, चलो भाई साहब चलो फाइनली वी आर इन सरचू। ए भाई डर लग रहा, ये देख लो पढ़ लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले यहाँ से है 251 उपसी उपसी 202 सर्च ब्रिज, ओके देखते हैं यहाँ क्या करना है। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग आए हैं सर्चू में, यहाँ पे भी एंट्री हुआ, वहाँ पे भी अपना एंट्री हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कोविड का हम लोग का रिपोर्ट वगैरह सब कुछ चेक किया, सब कुछ ओके है। अब बस हम लोग निकल रहे हैं सर्चू से ले की ओर, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड देखो। अब लोगों को दिख रहा है क्या, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म है, ओ भाई ओ भाई कुछ नहीं दिख रहा है भाई, ओ भाई मेरी फटर है ये।